नमस्कार दोस्तों, मैं खेम कुमार शर्मा आज फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जिन्हें अंग्रेजी में बहुत ही अधिक दिक्कत होती है, वो शब्द नहीं बना सकते हैं या ज़्यादा बड़ा शब्द नहीं पढ़ सकते हैं, वोवल का जो स्वर का जो उनका ज्ञान है वो बहुत ही कम रहता है और विशेष रूप से वो किसी वर्ड को प्रोनंशिएट नहीं कर सकते या मान लो कोई वर्ड सुन करके उसे रिकग्नाइज नहीं कर सकते हैं। तो मैं इनिशियल से शुरू करूँगा। हम बात करते हैं यहाँ व्यंजनों की, इसके बाद मैं आपको स्वर बताऊँगा, पहले व्यंजन लिए हैं हम। के और सी का जो प्रोनंशिएशन है वो क के रूप में ले सकते हैं, के एच ख के रूप में, जी वो है वो गे के रूप में, जी एच घ के रूप में, आर का जो रूप है वो र, और यहाँ जो हम कह ख गे घ ड बोलते हैं एक्चुअली वो र बोला जाता है। आर आएगा सी एच च के लिए आएगा, सी डब्ल्यू एच छ के लिए होगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश में नहीं होते, जैसे छ नहीं है, ख नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। ज के लिए जे, जे एच झ के लिए, और पिया के लिए एम। देखिए पिया हो न हो या न हो, इन तीनों के लिए एन ही आएगा। तय और तय दोनों के लिए टी का यूज़ कर सकते हैं, ठ और थ दोनों के लिए थ का यूज़ कर सकते हैं, टी एच का यूज़ कर सकते हैं, ड और द के लिए डी का यूज़ हो सकता है, ढ और ध दोनों के लिए डी एच का यूज़ हो सकता है, ण और न मैंने आपको बता दिया है एन का यूज़ हो सकता है, प के लिए पी, फ के लिए पी एच या एफ, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, और म के लिए एम, य के लिए वाई, र के लिए आर, ल के लिए एल, ल के लिए एल, व के लिए बी और डब्ल्यू दोनों ही रहता है, श के लिए एस एच, और इस श के लिए भी एस एच रहेगा, और इस स के लिए ये श है, ये भी श है, ये स है, इसके लिए ऐसा आएगा, है के लिए एच, छ के लिए के एस एच, त्र के लिए टी आर, और ग के लिए जी वाई। तो ये व्यंजनों का हमने अभी बात की, इसके बाद हम बात करते हैं स्वरों की, और फिर हम बारखड़ी बनाना सीखेंगे, और बारखड़ी से फिर हम आगे चलेंगे शब्दों के निर्माण में। ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो, आप पेशेंस बनाए रखें, आप धैर्य रखें, और जो भी विद्यार्थी इसे देख रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ वोवल साउंड की, स्वर की। तो देख लीजिए स्वर, और अ के लिए ए का हमने यूज़ किया है, इसका उच्चारण ए ना होकर के अ होता है, इन दोनों का यूज़ करके हम आ का साउंड निकाल सकते हैं। आई ई के लिए, डबल ई बड़ी ई के लिए, यू छोटे ऊ के लिए, डबल ओ बड़े ऊ के लिए, ई ए के लिए, ए आई ए के लिए, ओ ओ के लिए, ए यू या ओ यू ओ, ए एन जी अंग, और ए एच अ। तो पहले हम बारखड़ी बनाते हैं, मैं आपको एक दो बना के बताता हूँ, बाकी आप सब घर पे उसको बनाएंगे नोटबुक में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और फिर हम सीधा चलेंगे कि जो वोवल साउंड है उनका प्रोनंसिएशन कैसे कैसे हो सकता है, उनसे हम कैसे कैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं, क्या क्या नियम हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो इंग्लिश स्पीच साउंड है वो लेटर से थोड़ा सा अलग होता है। देखिए हिंदी में ऐसा होता है कि जैसे जो शब्द या जो अक्षर हमने लिखा होता है उस शब्द को हम वैसा ही पढ़ते हैं और वैसा ही लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट हैं वो 26 हैं, 26। इसकी बात हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में की थी जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था। लेकिन जब हम स्पीच साउंड की बात करते हैं तो स्पीच साउंड 26 ना होकर के 44 होते हैं, 44 होते हैं। अब इन 44 स्पीच साउंड में जो वोवल साउंड है आपका वो होता है 20। 20 आपके वोवल साउंड हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड है आपके 24। ठीक है, वैसे मैंने बारखड़ी में जो साउंड लिखा था लगभग लगभग वो सेम रहेगा कॉन्सोनेंट में, मैं फिर भी बात करूँगा, लेकिन
जब हम डिक्शनरी वाइज बात करते हैं कि उसका प्रोनंसिएशन कैसे होगा, तो इसको आपको थोड़ा समझना है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आप आराम से किसी भी वर्ड को सुन करके लिख सकते हैं और गैस कर सकते हैं किसी भी वर्ड के लिए कि उसके उसका जो वोवल है वो क्या हो सकता है। देखिए, ये जो 20 वोवल साउंड्स हैं, ये मोनोथोंग्स और डिपथोंग्स में बटे होते हैं। मोनोथोंग्स और डिपथोंग्स, मोनोथोंग्स को आप ये मान लीजिए, मोनो का मतलब सिंगल होता है, कि वो वोवल जो सिंगल होंगे वो साउंड देंगे, और डिपथोंग्स को आप ऐसा मान सकते हैं कि इसमें दो वोवल जो हैं वो जुड़ते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मोनोथोंग्स जो हैं वो आपके 12 हैं। इन 12 मोनोथोंग्स को भी हम दो भागों में और बांट लेते हैं। शॉर्ट वोवल ये 7 हैं और लॉन्ग वोवल ये 5 हैं। शॉर्ट वोवल को आप लघु मात्रा समझ सकते हैं, लघु स्वर। जैसे हमने यहाँ ई ए ऐ अ ऐ उ और ओ। लॉन्ग में ये बड़ा ई है, ये बड़ा उ है, ये आ है, ये औ है और ये अ है। डिपथोंग्स में देख लीजिए, सेंटरिंग में 3 है, जिसमें आई और ये, जब भी हम इसको लिखेंगे ये साउंड अ, ईयर ईयर उआ, ऐसे हम इसको बोलते हैं, ईयर उआ, ठीक है। तो क्लोजिंग में आपके 5 हैं, क्लोजिंग में हम इनको बांट सकते हैं 3 और 2 में। देखो, एंडिंग जिसमें आई रहेगा, मतलब ई साउंड आएगा, ई आई आई, तो ये लास्ट में इसके ई साउंड आ रहा है। इसमें अंत में यू लिखा हुआ है, यू मतलब ऊ का साउंड आ रहा है, तो ये औ, ये आउ। तो अभी शायद हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आए, जब हम इसे शब्दों में लिखेंगे और फिर उसका प्रोनंसिएट लिखेंगे तो उसका एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक बार डिपथोंग्स की। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा इजी है। अगर आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी और इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये सिंबल है बड़ी ई का, जैसे आप आई लिखते हैं वैसे ही सिंबल है आई, लेकिन जब भी इसमें ऐसा विसर्ग लगता है तो ध्यान रखें कि ये लघु से दीर्घ हो रहा है, मतलब छोटे साउंड से लंबा साउंड हो रहा है, छोटा नहीं हो रहा, लंबा साउंड आएगा, ठीक है। तो ये बड़ी ई की मात्रा है, इसमें लंबा साउंड आ रहा है, लॉन्ग साउंड है। जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल में ईस्ट, हमने बात किया ईस्ट, ईस्ट में ई लंबा है, खिंच गया है। सीम की, तो इसमें देखो साउंड जो है वो बड़ा ई का आ रहा है, तो ये ई का साउंड है, ये छोटी ई का साउंड है। जैसे इट, इट में इट ईट नहीं है, वो अगर ईट कहेंगे तो लॉन्ग साउंड हो जाएगा, उसका स्पेलिंग ई ए टी हो जाएगा। अगर आप इसे इट कहते हैं तो छोटा साउंड है। हिट, ये हीट नहीं है। बिट, ड्यूटी, स्मॉल साउंड आ रहा है, छोटा साउंड। ये जो साउंड है आपका, इसमें देखिए डिफरेंस देख लीजिए, एक तो ये है और एक इस तरह का साउंड आ रहा है। ये साउंड जो है वो अ का साउंड है, ये अ है, और ज़्यादातर ये साउंड हम अगर किसी वर्ड से शुरुआत करते हैं, जैसे अगो कहा हमने, अ गो, तो अ पहले आया, प लिस, प लिस, टे ल, टे ल, तो ये साउंड आएगा इसमें। और ये जो साउंड है वो ए का साउंड है, ए, इसका साउंड है ए का, तो ये साउंड जो है वो एंड, जैसे हम एंड लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं एंड, ये है लैंड। ये जो साउंड है इसमें इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो साउंड है वो हिंदी में हमारा साउंड नहीं है ऐसा, ये इस तरह का साउंड है,
ये बताओ। और ये बहुत बार इसमें यूज़ होता है और हमें कन्फ्यूज़न भी इसी में ज़्यादा होती है, ये साउंड जो है वो इसमें आएगा, जैसे आप इसको कहेंगे तो एंड, ये एंड नहीं है, एंड, ये लेंथ, और ये प्लूरल आ है, दीर्घ, ये लंबा आ, जब भी विसर्ग लगता है तो इसमें लंबा हो जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखें, ज़्यादातर इसमें क्या होगा, साउंड आएगा आपका ए आर का, जब भी ए आर एक साथ आता है तो र जो साउंड है, आर जो है वो ऐसा बनता है आर। तो हम इस र को मुंह में रखते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, मतलब हमने कहा कार, र नहीं आएगा, का, र साउंड अंदर रहेगा मुंह में, का। हाम, इसे आप हाम बोलेंगे, हारम नहीं, र नहीं आएगा इसमें। आम, ये आरम नहीं है, र साउंड नहीं आएगा, आम। तो ये था आपका आ, एक्चुअली ये आर है, ये साउंड छोटे ओ के लिए है, ऑन, कॉट, इस तरह का साउंड आएगा। और इसके साथ अगर जैसे ये डबल डोटेड लगता है, इसे हम कोलन बोलते हैं इंग्लिश में, अगर ये कोलन इसके साथ लगा हुआ है तो साउंड लॉन्ग हो जाएगा, जैसे ऑल, कॉट, सॉ। आपने देखा होगा कि हमने सॉ लिखा तो इस पर किस तरह का साउंड आ रहा है, ओ, ये वाला साउंड, ये वाला साउंड इससे क्रिएट होता है, ये छोटा ओ है, जैसे पुट, गुड, फुल। देखो एक यहाँ आंसर देख लो आप, अगर मैं फुल कहता हूँ और मैं फूल कहता हूँ तो दोनों में अंतर है। मैंने कहा फुल, इसमें साउंड स्मॉल है, मैंने कहा फूल, इसमें साउंड लॉन्ग है। तो इसमें जो उनका साउंड आ रहा है वो छोटा है, पुट, गुड, फुल, वूल, पुश, बुल। लेकिन जैसे इसमें कोलन लगता है, मतलब विसर्ग लग जाता है, तो जो साउंड है वो लॉन्ग हो जाएगा, जैसे ऊज, चूज, शू। ये साउंड जो है इसका भी आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरह का कोई सिंबल आपको मिलता है तो ये सिंबल जो है वो अ का है, अ। देखिए बहुत सारे साउंड आ चुके हैं ये अ वाले, ये साउंड जो है वो कभी भी इससे शब्द की शुरुआत नहीं होती, जैसे अप, कप, टप, हब, ये साउंड अर, हमने ये इस तरह का एक सिंबल दिया है, ये अर के लिए आ रहा है। देखो इससे पहले मैंने आपको बताया था आर के लिए ये वाला साउंड था, ये अर के लिए आएगा, इसमें र साउंड रेप में आएगा, अर्न आएगा, सही, अर्न, टर्न, स, लेकिन लॉन्ग नहीं होगा, बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल थोड़ा सा, अर्न, टर्न, स। उसके बाद ये साउंड आता है, ये भी अर के लिए है, अगो, अलिस, एल आदि के लिए। तो दोस्तों ये था आपका मोनोथोंग्स, इसके बाद हम बात करते हैं डिपथोंग्स की। डिपथोंग्स में दो संयुक्त जो है रूप से वोवल जो है वो आते हैं एक साथ, और उनका साउंड कैसे क्रिएट होगा उसको हम सीखते हैं। अब हम बात करते हैं डिपथोंग्स की। डिपथोंग्स में आठ वोवल्स हैं जो संयुक्त रूप से आते हैं, जैसे हमने यहाँ पहला जो है लिया वोवल ए, इसमें ये जो साउंड है वो ए का, और ये ई का है, एट, स्ट्रेट, स्ट्रेट, ये ओ का है, ऑप, जॉब, स्लो, ब्लो, ये आई, आई का साउंड है, आइस, माइस, राइस, माई,
ये आउ का साउंड है, आउट, शाउट, डाउट, हाउ, काउ, ये ओई, ये साउंड ओ का था और ये ई का था, ओई, ऑइल, बॉइल, बॉय, हम इसे बॉय बोलते हैं, बॉय नहीं होता, बॉय, ये ई अ, ई अ, ईयर, डियर, इसमें र साउंड नहीं आता है, क्लियर नहीं कहते, क्लियर, ईयर, और ये होता है ईयर, ई अ, ईयर, ये होता है एयर, तो ये होगा एयर, एयर इसे हम बोलते हैं, एयर, लेयर, डेयर, केयर, फेयर, और ये है आपका ऊपर, क्यूर, पुअर, डूअर। तो इस तरह से हम इन डिक्शनरी में आने वाले जो सिंबल्स हैं उनको हमने देखा, आप इन्हें नोट कर लें और हो सके तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। अब हम चलते हैं वापस हमारी बारखड़ी पर। आप इस तरह से बारखड़ी बना सकते हैं, जैसे के ए क, के ए या के डबल ए का, के आई की, के डबल ए घड़ी की, के यू को, के डबल ओ को, के ई कई, के ए आई कई, के ओ कऊ को, के ए यू कऊ, के एन जी कंग, और के एच क। तो इस तरह से आप ख और सबका बना सकते हैं, उसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम सीधा वर्ड पे चलते हैं कि हम उसे कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं। इसमें हम कुछ करेक्ट प्रोनंसिएशन के बारे में सीखते हैं। तो वोवल्स कैसे करेक्ट प्रोनंसिएशन देते हैं उसे हम पढ़ते हैं। इससे पहले हमने डिप्थोंग्स और मोनोथोंग्स के बारे में पढ़ा, तो यहाँ हम वोवल ए का उच्चारण के कुछ नियम पढ़ रहे हैं। देखो, ए का उच्चारण अ ए के रूप में हो सकता है। तो इसमें नियम नंबर एक है, जो हम ए का साउंड आ या अ के रूप में लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ देख लीजिए, ऑल, हॉल, स्टॉल, फा, का, बॉल, आ, स्मॉल, तो इस तरह से भी इनका साउंड आता है। नंबर बी देखिए, ए का साउंड जब ए के रूप में आएगा, जैसे एन, फैन, डैड, कैन, कैट, बैंड, इसमें ए का जो साउंड है वो ए अ के रूप में आएगा, ए अ के रूप में। देखिए, कॉन्सोनेंट के बाद में अगर ए आर आता है, कॉन्सोनेंट के बाद में अगर ए आर आता है और उसके बाद अगर ई लगता है, जैसे आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये, तो आपने ई यूज़ किया तो ये तो है कार, लेकिन अगर अंत में इसकी ई लग जाता है तो साउंड पहले वाला तो लंबा खिंच जाएगा, के एयर और र, केयर, कार की जगह केयर, ठीक है। जैसे ये फार था, फेयर, बार, वेयर, मेयर, डेयर, शेयर। नंबर डी, ए का जो साउंड है वो ए लंबा उच्चारण हो, वो कह रहा है कि अगर ए के आगे यदि वाई या आई का प्रयोग हो तो ए का उच्चारण एक समान हो जाता है और कुछ लंबा हो जाएगा। मतलब सीधा सा है कि इस एग्जांपल में देखते हैं, तो बी ए वाई, ए के बाद में वाई का यूज़ हुआ है, ए के बाद वाई या आई का यूज़ हो तो ए का उच्चारण इस ए के समान हो जाएगा, तो हो जाएगा बे, थोड़ा लंबा हो जाएगा बे। इसी तरह से मेन, फे, फे परी होती है, स्टे, प्लेन आदि। अब वो कह रहे हैं कि यदि ए के आगे यदि कोई कॉन्सोनेंट और फिर ई रखा हो तो, मतलब सीधा सा है कि अगर इस ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए और इस कॉन्सोनेंट के बाद में ई आए, तो आपको ध्यान रखना है कि जो साउंड होगा ए का वो इस ए के समान हो जाएगा और कुछ लंबा हो जाएगा। जैसे सी ए जी ई, केज, टेप,
राजकीय बेक आदि। यस, हम यहाँ देख रहे हैं जो वोवल ई है उसका उच्चारण। वोवल ई के उच्चारण के कुछ नियम हैं, जिसमें ए, ई और बड़ी ई का उच्चारण किया जाता है। ध्यान रहे कि ये जो हम यहाँ उच्चारण करने वाले हैं छोटे ए का, ध्यान रखें, रखना है इस बात का कि यहाँ जो उच्चारण है वो लंबा ना होकर छोटा है, मतलब उसको हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, छोटा रहेगा। जैसे ये नेट, सेंट, बैल, पेट, मेट, फैंड, लेस, हैल, सेल, फैल, क्योंकि इसको अगर आप लंबा खींचोगे तो शब्द में बदलाव आ जाएगा, शब्द में उच्चारण में त्रुटि हो जाएगी। जैसे अगर हम इसको सेल पढ़ें, सेल, तो सेल एस ए एल ही होता है, सेल, और एक एस ए आई एल भी होता है, सेल, ठीक है। इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि यहाँ उच्चारण लंबा ना होकर छोटा होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मीन है, बिफोर है, आपका चीट है, और इलेवन है, और आपका पियर है, और आपका रियर है, और आपका नियर है, ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम अगली बात करते हैं, हम अगली बात करते हैं कि ऐसा ई जिसकी ध्वनि ही नहीं आती, जिसका कोई उच्चारण स्थान है, उच्चारण नहीं होता है, ई अपनी कोई ध्वनि नहीं है, किसी शब्द के अंत में यदि ई आता है तो उसका अपना कोई उच्चारण नहीं होता। उसका अपना कोई उच्चारण नहीं होता। नहीं होता, परंतु उससे पहले आए हुए एक या एक से अधिक व्यंजनों को छोड़कर जो अन्य स्वर होता है उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। तो ये भी आप लिख लो, परंतु उससे पहले आए हुए एक से अधिक व्यंजन को छोड़कर, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स को छोड़कर, जो अन्य स्वर है, उसका उच्चारण लंबा हो जाता है, जैसे शेम, एस एच ई एम, जैसे नीम, एन ई एम, इसको आप कहोगे शेम, इसको कहोगे नीम, वैसे ही आपका है लेट, एल ए टी ई, वैसे ही आपका है केयर, सी ए आर ई, वैसे आपका टाइम वर्ड है रेत, और आप ले सकते हो टेम,
और वर्ड लेना चाहो तो आप फेम ले सकते हो, और अधिक लेना चाहो तो केम है, सेम है, केम है, सेम है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं इनको आप यहाँ और ले सकते हैं। तो जो ई का साउंड है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ और साउंड्स की। यहाँ हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे रैट, रेट, रेट, मेन, मेन, मेट, मीट, पेन, पेन, रॉब, रॉब, हॉप, हॉप, बिट, बाइट, सिट, साइट, कित, काइट, पिप, पाइप। पिप बीजों, फलों के छोटे बीजों को कहते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे और भी वर्ड्स ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे यू की। देखो यू के जो उच्चारण है वो दो हैं, एक इसका यू जो छोटा है वो, और एक बड़ा वो। जैसे हमने यहां हम ले सकते हैं कि ओ का उच्चारण ओ के रूप में, उच्चारण ओ के रूप में। दूसरा इसमें आता है यू, यू का उच्चारण यू के रूप में। ये यहाँ वैसे मैंने लिखा तो यू है, लेकिन आप इसको ऊ समझिए कि ये ऊ के रूप में आएगा। जैसे आपने इसको पढ़ बोला रूल, तो ऊ आ रहा है, रूल, रूल। और जैसे जून, ठीक है, जैसे रूड, और देख लो जैसे जूट, कई बार क्या होता है कि इस यू का उच्चारण यू के रूप में ही रहता है। जैसे आप देख लो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, जैसे ट्यूब, यहाँ यू के रूप में है। और देख लो जैसे म्यूट, म्यूट, जैसे आप ले लो क्यूब, क्यूब, और आप ले सकते हैं जैसे क्यूट है, ट्यून है, क्यूट है, ट्यून है, क्यूट, ट्यून। तो इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं कि जो यू के उच्चारण है वो ऊ और ऊ में से एक हो सकता है या यू हो सकता है। अब हम बात करेंगे आई जो हमारा है वर्ड, उस प्रोनाउंसिएशन की। कुछ और यूज हैं लेकिन इसमें अ, य, यू और यो, इस तरह का भी उच्चारण आपका यू दे सकता है। जैसे अगर हम यू का उच्चारण अ से देखें तो कप, टप, हट, सन, कर्ड, बस, फन, मड, मग, बल, पर, नट। अगर यू का उच्चारण टू के रूप में देखें, इससे पहले हम जो बड़ा वो है उसकी बात कर चुके हैं, जैसे रूड है, हमने रूल यूज़ किया, इसमें पुट, पुश, पुल, बुल, फुल, बुश। कभी कभी ये यो का भी उच्चारण देता है। यू का उच्चारण हम पढ़ चुके हैं, जैसे यूनिवर्सल था, और
आपका यूनिक है, और बहुत सारे वर्ड हैं जैसे इसमें क्योर है, प्योर है, सिक्योर है, और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं आई से बनने वाले जो शब्द हैं, आई का क्या उच्चारण उसमें रहेगा। नियम देखते हैं, वोवल जो आई है उसके क्या क्या उच्चारण के नियम हैं। तो इससे ई, आई, अ, ई बड़ी और आय, आई में लिखना भूल गया, आय, इनका उच्चारण होता है। जैसे ई से छोटे ई का उच्चारण, जैसे पिन, शिप, किल, सिटी, डिम, हिल, बिग। ई का उच्चारण अगर बड़ा हो तो ज़्यादातर ध्यान रखें कि इसमें ई आई या आई ई का यूज़ होता है, ई आई या आई ई का यूज़ होगा। जैसे टाई, डाई, डाइट, लाई, ग्री, सी, रिसीव, रिसीव, ई खींचा हुआ है, लंबा है। आई का उच्चारण आई आई के रूप में होगा जब ज़्यादातर इसमें आई आर ई का जब यूज़ होता है, देखिए इसमें ज़्यादातर आई आर ई का यूज़ हुआ है, तो इसमें आई बनता है। जैसे फायर, टायर, डायर, हायर, एडमायर, वायर, सायर। तो इस तरह से इनका यूज़ आपको सीखना है कैसे इनका यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं आई का यूज़ जो है वो आई के रूप में, आई के रूप में कैसे होता है। इसमें जैसे काइंड, 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 बाइंड, फाइंड, माइंड, हाइंड, माइंड, चाइल्ड, इस तरह के इसमें हम यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आई का जो यूज है वो अ के रूप में कैसे यूज होता है। कभी कभी हम आई का यूज अ के रूप में यूज भी कर लेते हैं, जैसे बर्थ, इसमें अ का यूज हुआ है बर्थ, और जैसे बर्ड, और जैसे गर्ल है, और गर्ट है, और फर्म है, इस तरह से हम बहुत सारे और शब्दों का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका जो यूज़ है वो ई का, उसका क्या क्या प्रोनंसिएशन होगा वो कंप्लीट हो गया है। आप इस तरह से और बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, लगातार बने रहिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। हम यहाँ वोवल की ओ के जो साउंड है उनको देख रहे हैं, उनके कुछ नियम हैं। जैसे अगर हम ओ का उच्चारण करें तो अ, ओ, ओ, आउ, उ, बड़ा उ और बॉय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अ की। जैसे सन, एस वन लिखा सन, कम, सम, डन, नन। ओ का जो है चरण वो ओ। अब जब आप जब भी ओ का उच्चारण करें तो ओ ऐसे बोल आपका माउथ नहीं बनना चाहिए, अ थोड़ा खुला रहेगा, अ इस तरह का साउंड आएगा, और इसमें मात्रा नहीं लगती है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऊपर की तरफ ये चिन्ह हम लगाते हैं, ऑक्स, हॉट, हॉट नहीं होता, हॉट, गॉड, बॉक्स, फॉक्स, हॉग, गॉड, डॉट। अगर हम इसका उच्चारण ओ के रूप में करें तो ओल्ड, बोल्ड, कोल्ड, बोल्ड,
पोर्ट, फोर्ट, पोस्ट, इस तरह से होता है। अगर हम ओ का उच्चारण ऊ या बड़े ऊ के रूप में करें तो इसमें ध्यान रखेंगे कि हम डबल ओ का यूज़ कर रहे हैं, जैसे लुक, इसमें छोटा ओ आ रहा है, लुक, बुक, कुक, गुड, यहाँ लॉन्ग आ रहा है, मून, बूट, रूम और ब्रूम। तो इसका एक यूज, एक दो यूज़ हो रह गया है, वो अभी हम करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे उच्चारण की ओके जिसमें कोई ना कोई साउंड और मिला रहेगा। जैसे हम बात करते हैं आउट की, तो ओ डब्ल्यू यूज होगा, जैसे हम बोलते हैं आउट। जैसे आउ में आप देख लीजिए, जैसे आउट है, ओ यू टी, आउट है, ठीक है। और रो है, आर ओ डब्ल्यू, शो है, जिसमें लिखना शुरू करता हूँ रो, शो, वो, वो, काउ, हाउ, नाउ, इसे नाउ नहीं नाउ बोलते हैं, इस तरह से भी इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं आओ की। कई बार आपका जो वर्ड है ओ ओ यू यूज होता है, इसको हम बोलते हैं, इसका उच्चारण जो होता है वो आओ की रूप में होता है, आओ। जैसे इसमें दो वर्ड आप फल ले सकते हैं, जैसे इसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स हावर बोलते हैं, ये हावर नहीं है, इसे बोलते हैं आवर, आ व, ठीक है। जैसे और दूसरा एक वर्ड ले लें अपन, तो दूसरा वर्ड है इसमें आपका सा, एस ओ यू आर, इसे हम सावर के लिए यूज होता है, यूज कर सकते हैं। अब आपका लास्ट इसमें यूज बचा है ओ वाई का, तो इसे हम बोलते हैं वाई। जैसे वाई, जैसे टॉय, जैसे आपका जॉय, कभी कभी हम इसमें फॉयर जैसे वर्डों को ले सकते हैं, जैसे एफ ओ वाई ई आर, फॉयर। फॉयर का मतलब होता है सिनेमा, होटल में विशाल दार, विशाल छत। ऑय, सी ओ वाई, ऑय जो है शर्मीला होता है। तो ये आपके यूज हो गए ओके, यस। अब हम बात करते हैं वोवल, जो आपका वाई है, वाई जो है उसे सेमी वोवल में भी काउंट किया जाता है। इसके जो उच्चारण है वो ई, आई और आई होते हैं। जैसे हम वाई से ई का जो प्रोनंसिएशन है, जो उच्चारण है वो देखें तो पॉलिसी, इसमें सी वाई पर भी और ई की मात्रा आ रही है, आई सी, ब्रीडी, हार्टी। वाई का उच्चारण जब आए के रूप में होगा, आए, तो आप टायर, टायरेंट, पायर, टाइफॉइड, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। इनको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से यूज़ होता है तो यहाँ आए का उच्चारण देता है वाई। वाई का उच्चारण कभी कभी आई के रूप में भी होता है, जैसे डाइक, डाइक का मतलब खाड़ी होता है, टाइप प्रकार हो गया, डायनेस्टी वंश, और टाइकून एक लब्ध प्रतिष्ठ व्यापारी। इस तरह से हम वाई का जो प्रोनंसिएशन है उसे समझ सकते हैं।
अब हम बात करते हैं हमारे एक अंतिम वोवल की, जो मिक्स वोवल है। इसी के साथ यहाँ ये जो वोवल का प्रोनंसिएशन का पार्ट है वो कंप्लीट हो रहा है। आप इसे बार बार देखते रहें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो निश्चित रूप से आप इन शब्दों को सीख जाएंगे, बनाना सीख जाएंगे, इनमें अंतर करना सीख जाएंगे, स्पेलिंग्स बनाना सीख जाएंगे, तो आपको बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है। कभी कभी आपके जो वोवल है वो ई डब्ल्यू भी यूज़ होता है। जब ई डब्ल्यू यूज़ होता है तो इसका उच्चारण बनेगा यू। क्या उच्चारण बनेगा इसका? यू। इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे ड्यू, फ्यू, म्यू और प्यू और स्यू, और भी ले सकते हैं जैसे ब्लू, इसे लिखा जाए कैसे रहेगा, ऐसे लिखेंगे इसको ड्यू। और इसमें ध्यान रखें कि जो इससे पहले जो यू का जो भी यूज होता है, जो पहले वाला स्वर होता है वो हमें, पहले वाला जो व्यंजन होता है वो हमेशा अद आता है, ठीक है। फ्यू, म्यू, ये देखो मैं आधा आधा लिख रहा हूँ उसको, प्यू, स्यू और ये ब्लू। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये एक ऐसा वीडियो जो है वो मैंने विशेष रूप से विद्यार्थियों की मांग पर बनाया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सर हमें इस तरह से स्पेलिंग्स जो है वो बनाना नहीं आता, स्पेलिंग्स को हम कैसे लर्न करें, उनको कैसे, उनमें डिफरेंस देखें, वोवल साउंड को कैसे समझें। तो विशेष रूप से जो बनाया गया है ये विद्यार्थियों की मांग पर बनाया गया है। मैं आप सबसे इसके लिए क्षमा चाहूँगा कि बीच में मैं आपको कोई वीडियो नहीं दे पाया हूँ दो चार दिन से, क्योंकि मैं इसी काम में थोड़ा व्यस्त था। अब मैं लगातार रोज़ाना आपको एक दो वीडियो जो है वो देने का प्रयास करूँगा। मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लगातार सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका धन्यवाद, जिन जिन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे लाइक किया, धन्यवाद। अब यहाँ हम ई का जो उच्चारण है वो छोटी ई के रूप में लेते हैं। यहाँ जो उच्चारण है वो छोटा रहेगा, लॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे बी ई लिखा हुआ है तो बी, इसको लंबा नहीं खींचना, बी नहीं कहना है आपको, ये बी है, एच ई ही एम ई मी आर ई ए एल रियल, डब्ल्यू ई वी शी सील मील फील, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम यूज़ करते हैं ई का जो उच्चारण है वो लंबा कैसे होगा। ई का उच्चारण जो यहाँ लंबा होने वाला है, इसमें हम डबल ई का यूज करते हैं, इसमें डबल ई का यूज होता है, जैसे सी, जैसे वी, जैसे कीप, डीप, स्वीप, उच्चारण होगा इसका, एक वर्ड है आपका डब्ल्यू डब्ल्यू बी, तो यहाँ यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ई का जो उच्चारण है वो हम यहाँ कर सकते हैं। अब कई बार इसमें ई और ए का भी यूज हो जाता है, मैं यही आपको यहाँ बता रहा हूँ। जब ई और ए का यूज होगा तो आपका जो उच्चारण है वो लघु रहेगा, दीर्घ नहीं होगा, छोटा उच्चारण होगा।
जैसे सी एस ई ए, ये उच्चारण छोटा है, सी डीट, मीट, पी आदि, इस तरह से हम बना सकते हैं इसकी